हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा यहाँ पर चौथा दिन है और आज जो जिस जगह जाना है हमने, वो इंस्टाग्राम पे मैंने उस जगह की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। आई रियली वांटेड टू विजिट दैट प्लेस, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। और ये जगह इस तरह की है कि झोंपड़ियों की तरह के घर बने हुए हैं, हट्स की तरह के, और लेकिन वो जो घर बने हुए हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन स्टाइल उनका झोंपड़ियों की तरह है। इस जगह का नाम है अल्बेरो बेलो, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। झोंपड़ा निकलने से पहले हैट पहन लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और सूरज से थोड़ी बचत हो जाएगी। तबला शुरू करने आते तो नुहाने आसे कितने चले हैं। आज अभी हम बाहर पे आए और हमने नाश्ता वगैरह किया यहाँ पे, तो अभी निकलेंगे आगे अल्बेरो बेलो। हम चलने आसे यार अल्बेरो बेलो। असि अपनी लोकेशन से आ गए हैं, तो सी गड्डी पार करके तो हूँ जा रहे हैं पैदल क्योंकि जगह ही है नहीं पार। अभी हम अल्बेरो बेलो के चंद्रों में आ गए हैं, तो अभी यहाँ पे मेन वो हट्स टाइप के घर शुरू हो जाते हैं। वो पीछे मेरे आप देख सकते हैं सारे ये हट्स टाइप के घर हैं। और ये जो अल्बेरो बेलो है ये 15वीं सदी में तकरीबन बना था और तब ये इतना डेवलप नहीं था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में इसको डेवलप करना शुरू कर दिया गया ताकि लोग इधर आएँ। जब लोग इधर आने लग पड़े तो इसको काफ़ी ज़्यादा बोलो 19 सेंचुरी में इसको डेवलप करना शुरू कर दिया गया था, तब टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़े। जब टूरिस्ट आने शुरू हो गए तो उन्होंने और इसको डेवलप करना शुरू कर दिया। ये हट्स की शेप में बनाए गए हैं घर, लेकिन ये पत्थरों के हैं, बिल्कुल पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। और ये जो पास से अगर जाकर देखें तो जो पत्थर हैं वो हट्स की शेप में वो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, उनके बीच में कोई सीमेंट वगैरह या कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं की गई, तो ये बड़ी यूनिक बात है। पार्किंग में आया, हमने बंदे से पूछा तो उसने कहा इजाजत लाइए उन्हें, कहता थोड़ा थोड़ा गिफ्ट दो सनो। तो अभी जो है ऊपर से पाकिस्तान जो मर्जी करो, पाकिस्तान वाले से कहता गिफ्ट दियो तो जो मर्जी करो। यहाँ से ऊपर से ड्रोन उड़ाएंगे, यहाँ से ऊपर से व्यू दिखाते हैं। पैसा बोलता है बेलो में हमने घूम लिया काफी, बहुत मजा आया। अब हम जा रहे हैं पोलिनियानो मारे, ऐसी विजिट करके हम चले हैं दूसरे शहर जिसका नाम है पोलिनियानो आमारे। वहाँ पे जाके हम क्या करने वाले हैं, हमारी कोशिश यही है कि ऐसी लेइए शिप ना, शिप नहीं बोट, बोट बोट काइंड ऑफ बोट ना, बार का हां, उन्होंने लिए थे ओदे होते चलिए जजीरे फिरिए घूमिए फिरिए। हम एक बोट रेंट करेंगे और उससे फिर बोट लेकर जाएंगे समंदर में और विजिट करेंगे, मस्त माहौल ओथे करेंगे, मस्ती करेंगे। ते देखो तुसी आगे देखते जाओ करते की गाइज। असी आ गए अपनी लोकेशन पर, पोलिनियानो मारे थे आ गए हैं। ए जगह जिसका अं जिक्र कर रहे थे, हूँ असी जाना है थले।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਡਾਂਗੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਲਈਏ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਬੰਦਾ हाँ तो गाइस ये है वो जगह जिसका हमने जिक्र किया था ये है वो जगह पुलिनियानो बहुत कमाल की जगह है ते बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है तू तो सही बोलना नहीं अच्छा नहीं बोल के पुलिनियानो मारे पे यहाँ पे स्पेजा पे बीच पे और ये जो पीछे सीन है ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखी थी आज रियल में भी इस जगह को देख लिया और बहुत मजे की जगह है बहुत अच्छी फोटोज आई है हमने ड्रोन उड़ाया ड्रोन से शॉट्स लिए कैमरा से लिए अमेजिंग प्लेस हाँ आप भी देखे कंटिन्यू वीडियो में आप भी देखें बहुत प्यारा व्यू और व्यू चेक करना बाबा जी व्यू चेक करो कोशिश किया बोट ले लें रेंट पे वहाँ से और लेकिन कोई भी नहीं मिली बीच में जाएं और ड्रोन से ऊपर से शॉट लें लेकिन फिर हम ऑलरेडी सारा कुछ बुक सी क्योंकि छुट्टियां हैं तो लोगों ने ऑलरेडी पहले हफ्ता कुछ दिन पहले ही बुक कराई होती हैं तो हमें कोई बोट नहीं मिली हमने सोचा कि स्विमिंग भी की जाए इधर क्योंकि ऑब्वियसली वेदर भी अच्छा था और मौसम वेदर भी अच्छा था और बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा पूरा इस जगह का मज़ा उठाया जाए और यहाँ पे घूमा जाए यहाँ पे स्विमिंग भी की जाए और अब हम स्विमिंग करके जा रहे हैं ऊपर गाड़ी की तरफ उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है लैंडिंग क्या बनती है फिर उसके मुताबिक हम आगे फॉलो करेंगे तो गाइस ये देखें यहाँ पे हम गए थे स्विमिंग करने ये वो जगह है जहाँ पर हमने स्विमिंग की है और लेकिन यहाँ पर पानी बहुत गर्म है लेकिन ये है कि पत्थर है नीचे सारे इसलिए बेसिकली थोड़ी देर के लिए गए बस थोड़ा सा मज़ा फ्रेश होने के लिए उसके बाद हम वापस आ गए एकदम से जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कितने लोग हैं यार कितनी रौनक लगी है इस जगह पे इटली की यही अच्छी बात है मैं यूके से आया हूँ ना तो ये मुझे बहुत फीलिंग देती है ये जगह क्योंकि ऑब्वियसली मौसम वेदर अच्छा है और जो लोग हैं बाहर घूम रहे हैं मज़े कर रहे हैं चिल कर रहे हैं चिल कर रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है बहुत मज़ा आ रहा है ये वेदर ना मज़ा दे देता है इन्जॉय लाइफ को देखें किस तरह इन्जॉय हो रहा है सब लोग बाहर हैं घूम रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को यही मज़ा है लाइफ वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और जाना है वापस ब्रिंदिसी घर जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी जो है काफ़ी थकावट हो गई है क्योंकि अल्बेरो बेलो में भी काफ़ी घूमे हैं और पुलिनियानो में भी काफ़ी घूमे तो अभी काफ़ी थकावट हो गई है और घर जाएंगे अब खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाना है तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं तो आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में तो तब तक के लिए गुड बाय अभी कुछ हुआ है।